सब ये 1.7 और 1.8 सॉल्व करिए। आंसर क्या रहे? 1.7। तो दो आवाज आई है सिर्फ। यस सर। किसके साथ सॉल्व किया है? बाकी आप लोग क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कितना गलत आ रहा है? हाँ अच्छी करवा देता हूँ। चलिए इसमें ज्यादातर को प्रॉब्लम लग रही है। जिसमें हमें एक कैपिटल फाइंड करना है तो वही अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अच्छा कैपिटल फाइंड करना है तो कैपिटल के लिए इक्वेशन क्या होगी? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अच्छा हम ये लिखते हैं। अच्छा अब इसमें एसेट्स बताएं कौन कौन से? पहले लिखा हुआ है बॉट ऑफ एंड एसेट हुआ, ये 13,000 एसेट्स। इसके बाद है मार्केट स्टॉल फॉर 1,050। मार्केट स्टॉल या मार्केट शॉप वो भी एसेट ही होता है आपका। इसके बाद कंप्यूटर एसेट है एंड इन्वेंट्री ऑफ गुड्स ये भी एसेट है। इट डिड नॉट पे इन फुल फॉर इज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड स्टिल ओज 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ देम। अभी 3,000 लाइबिलिटी हो गई ना, तो ये माइनस करेंगे। और अच्छा ये बोरो 10,000 फ्रॉम सी फॉक्स बोरो कर रहे हैं तो ये भी लाइबिलिटी हो गई ना। बोरो किया है लोन ले रहा है तो लोन क्या है? लाइबिलिटी। अच्छा इसके बाद आफ्टर द इवेंट जस्ट डिस्क्राइब बिफोर ट्रेडिंग स्टार्ट ही हैज 1,400 कैश इन हैंड। कैश एसेट है ठीक है, एसेट है तो ये ऐड हो जाएगा ना। यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्लस 1,400 और 4,700 कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बैंक बैलेंस ये भी एसेट है, ऐड हो जाएगा ठीक है। अब इसका सम कर लें जरा, कैपिटल आ जाएगा आपके पास। अब ये ऐड करके एसेट्स को ऐड करें, लाइबिलिटीज माइनस कर दें। जी आंसर बताएं क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या है? डिफरेंस बता दो यहां से डैमेज हो। अच्छा हिलाने पे ना कुछ पिक्चर आ रही है, ये मसला नहीं है। और पूरा पैक होती है।
पूरे यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंशन कंपनी का दूसरा दो ठीक आ गया 15,000 600 इसके बाद 1.8 नहीं एक्चुअली क्या गुल दे गया था यहाँ से। हाँ तो आपका ही है ठीक है। अच्छा 1.8 सॉल्व करें हम लोग 1.8 ठीक है। जिन्होंने नहीं किया सॉल्व कर ले, बच गया रखे अभी कोई आएगा दे दीजिएगा उसको, वहीं रख ले वहीं रख ले वहीं रखे अभी कोई आएगा दे दीजिएगा, नहीं आया तो घर ले जाएगा, वहीं रख ले अपने पास यहाँ रखते हैं। आप लोगों को नहीं मिला है नोट? अच्छा और किसे नहीं मिला है? हाँ और देखा आगे एक और दे आगे दे क्या हुआ आपको कौन दे रहे हैं आगे दे एक और दे एक और खत्म हो गया। अच्छा किस किस को नहीं मिला? चलो कॉपी करवा लेता हूँ अभी ठीक है। और ये पीछे नहीं मिला और आपको भी नहीं मिला ठीक है। चलो अभी कॉपी करवाता हूँ बाकी यहाँ, जब तक यहाँ से काम चला लें यहाँ से देख के सॉल्व कर लें कॉपी आपको देता हूँ जी। पढ़े यहाँ से पढ़ लें इधर से देखते हैं। एसेट्स 1200 6000 2800 200 175 लाइबिलिटीज हैं 1600 2500 6275 यू क्या 1.8 6275 आंसर हुआ। देखिए यहाँ तक का प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एवरी ट्रांजेक्शन हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे।
ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक न्यू बिजनेस हमने स्टार्ट किया और घर से हम 5 लाख कैश ले कर आए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर, तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इस पर क्या इफेक्ट आएंगे? इफेक्ट पूछ रहा हूँ, इफेक्ट। आगे ना जाए, थोड़ा पीछे आए, रिवर्स गियर लगाए, आगे चले जाए, फिर क्या हुआ? ये कौन सा इफेक्ट हुआ? ये तो ट्रांजेक्शन हुई। घर से आप 5 लाख लेकर आए, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में 5 लाख आ गए, तो 5 लाख किस फॉर्म में आ रहे हैं? कैश के फॉर्म में आए। कैश क्या होगा आपका? एसेट हो गया, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आ गया आपके पास 5 लाख का, 5 लाख आपके एसेट हो गए। ये तो एक इफेक्ट हुआ कि आपके एसेट्स 0 से 5 लाख हो गए, आपके एसेट इंक्रीज हो गया, बिजनेस में कैश आया, एसेट इंक्रीज 0 से कहाँ पहुंच गया? 5 लाख। सेकेंड इफेक्ट कौन कम हो कम हो गए? कहाँ कम हुआ? कहाँ कम हुआ? एक तो बोले ना, घर को तो हमें नहीं देखना ना, वो बात कर रहे हैं सेपरेट एंटिटी, तो घर को तो हमें नहीं देखना, बिजनेस को देखना। देखिए, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस के एसेट्स क्या हो गए? बढ़ गया। और जो आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल भी आपको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या हो गए? एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, ठीक है। तो जब भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। 5 लाख के इन्वेस्टमेंट हो गए, एसेट हो गए 5 लाख, कैपिटल हो गया 5 लाख। अच्छा, अब आपने बैंक से लोन लिया 2 लाख का, अब आपने बैंक से लोन लिया, अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? बिजनेस में कैश आ रहे 2 लाख, एसेट इंक्रीज हो गए, और सेकेंड इफेक्ट लोन ले रहे हैं तो लोन क्या लायबिलिटी है ना, आज हम लोन ले रहे हैं तो कल को हमने रीपे करना है, वापस करना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एसेट्स टोटल कितने हो जाएंगे? 5 लाख प्लस 2 7 लाख, और कैपिटल 5 लाख, और आपके लायबिलिटीज 2 लाख हो जाएंगे। दो इफेक्ट आ गए। जब आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर बाय किया कैश पे, आप फर्नीचर शॉप पे गए, बिजनेस के लिए फर्नीचर बाय किया कैश पे करके फर्नीचर लेकर आ गए, अब दो इफेक्ट क्या होंगे? एसेट इंक्रीज होगा, फर्नीचर आ रहा है, एसेट इंक्रीज हुआ, और कैपिटल नहीं, कैश देंगे ना दुकानदार को, तो कैश आपका कम हो जाएगा ना। देखिए, 5 लाख आप कैश लेकर आए थे, 2 लाख का बैंक से लोन लिया था, टोटल कैश कितना हो गया? अब आपने फर्ज करें 1 लाख का फर्नीचर बाय किया, 1 लाख आप दुकानदार को पे कर देंगे, तो कैश कितना रह जाएगा? 6 लाख। तो कैश डिक्रीज हो जाएगा और फर्नीचर आपके पास आ गया, दोनों एसेट है, तो एसेट डिक्रीज भी हो रहे हैं, एसेट बीच में नहीं बोला, इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। जब पूछो तब बोले, राइट। दो इफेक्ट क्या हो गए? एसेट इंक्रीज और एसेट डिक्रीज। एक एसेट आया फर्नीचर, एक एसेट गया कैश, ये आपके पास, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ये कह लें। इंडिविजुअल बात करेंगे तो कैश कम होगा, फर्नीचर आएगा, लेकिन ओवरऑल, हाँ ओवरऑल बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म चेंज हो गई, कैश गया और उतने का फर्नीचर आ गया, एसेट की फॉर्म चेंज हो गई कि कैश फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया, टोटल एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंडिविजुअली बात करें तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल हो गए, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनके आप इफेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पे टू दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इनको रिकॉर्ड किस तरह किया जाता है। अच्छा, हैंडआउट पर आ जाए, क्वेश्चन है आगे 1.8 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हैंडआउट दे दीजिए, ये एक्स्ट्रा बना दे दीजिए।
एक और पीछे दे दें, पीछे नहीं मिला उनको, मिल गए सबको, मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2.3, द अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 2.4, जिसमें 2.4, अच्छा इसमें ये नहीं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो कुछ और है ना, इसमें कोई रिक्वायरमेंट तो कुछ और है, इसमें कुछ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ना, अपने कैपिटल अकाउंट बनाना है, एसेट लाइबिलिटी, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्या करना है हमें, इसमें ये कुछ ट्रांजेक्शन है, अब इन ट्रांजेक्शन के हम इफेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, इन ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पर ड्यूअल इफेक्ट क्या होता है। उन्होंने बात की ना ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना, फिलहाल हम सिर्फ क्या करेंगे इनके इफेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद 17,500 इन कैश, इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, एसेट इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स को लिख लेते हैं 17,500, कैपिटल 17,500, लायबिलिटी जीरो। अच्छा पहले समझ लें, बाद में आराम से कॉपी कर लीजिएगा, साथ साथ नहीं लिखिएगा। अच्छा सेकंड, पेड 9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। अच्छा यहाँ पेड का मतलब यहाँ पर है डिपॉजिट, डिपॉजिटेड 9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस, यानी हमने क्या किया, ये जो ओपनिंग कैश का मतलब ये 17,500, 17,500 में से 9,400 निकाले, बैंक अकाउंट ओपन किया और डिपॉजिट करवा के आ गए, यानी कि कैश अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। अब इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, अब देखिए आपका कैपिटल क्यों डिक्रीज, कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, कैपिटल से निकाले। अच्छा एक चीज और बता दो, इसमें कंफ्यूजन रहती है कैपिटल कैपिटल, लेकिन कैपिटल भी एक टाइप ऑफ, एक तरह की लायबिलिटी होती है, कैपिटल भी एक टाइप ऑफ लायबिलिटी है। तो फर्ज करें मैं आपको कैश देता हूँ, या पैसे रखें, इससे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें, जब आपका बिजनेस सेट हो जाए तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको अगर पैसे दे रहा हूँ तो आप दो इफेक्ट्स क्या रिकॉर्ड करेंगे, आपका कैश इंक्रीज होगा और आप पे लायबिलिटी भी आ गई कि कल को वो पैसे आपने मुझे देने। इसी तरह हम बात करते हैं ना ओनर और बिजनेस, हम क्या करें सेपरेट एंटिटी, अब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ओनर बिजनेस को कैश दे रहे हैं कि वो उससे बिजनेस करे, जैसे आपकी शॉप है, अब आप घर से पैसे लेके गए, आपने शॉप में इन्वेस्ट किए, इसका मतलब क्या, आप शॉप को पैसे दे रहे हैं कि वो उससे बिजनेस करे, स्टार्ट करे और आपको प्रॉफिट अर्न करके दे। तब वो जो शॉप है वो दो इफेक्ट क्या रिकॉर्ड करेगी, शॉप है, शॉप का एसेट इंक्रीज हुआ और शॉप की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर को हम नाम क्या देते हैं, कैपिटल। कैपिटल भी क्या है, एक टाइप ऑफ लायबिलिटी, क्या बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, उसे आप कहेंगे कैपिटल, और बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स उसको नाम देंगे लायबिलिटी। तो कैपिटल भी क्या है, एक टाइप ऑफ लायबिलिटी, जब तक आप बिजनेस से पैसे नहीं निकालेंगे तब तक आपका कैपिटल काम नहीं है, कैपिटल तो फिक्स रहेगा। अब हमने क्या किया, कैश में से 9,400 निकाले, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, तो कैश आपका डिक्रीज हुआ। अच्छा कैश क्या है, एसेट, एसेट कम हो गए, अच्छा और बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस भी क्या है, एसेट है, तो एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है।
तो टोटल एसेट्स में क्या चेंज आएगा? जीरो टोटल एसेट्स में कोई चेंज आएगा जीरो नहीं। जो कैश आपके पास ऑफिस में था, शॉप पे था, वो आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, तो टोटल कैश तो वही रहेगा। सिर्फ क्या हुआ, ऑफिस से निकल के, शॉप से निकल के बैंक में चला गया, तो टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 0-0 लिख देंगे सब जगह, नो चेंज। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश आपका डिक्रीज हुआ, तो टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर बाय किया हमने, फर्नीचर आ रहा है, एसेट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी कि कल को हमें पे करना है। एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट, व्हाट अ वैन पेइंग बाय चेक। तो वैन मतलब बाय किए, गाड़ी मतलब वैन आपके पास आ गई, इसमें क्या होगा, एसेट इंक्रीज हो गए, बैंक वैन आ गई, गाड़ी आ गई, तो एसेट इंक्रीज हो गए। तो पेमेंट हम कर रहे हैं बाय चेक, तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि वो शुरू वाला क्या करेगा, चेक लेके बैंक जाएगा, बैंक से कैश करवाएगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज। तो वैन आने से एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, दोनों एसेट है, एक एसेट इंक्रीज एक एसेट डिक्रीज, तो टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जितने की वैन आई उतने ही पैसे बैंक से चले गए, तो टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। कैश की जगह वैन आ गई, एक एसेट आ रहा है एक एसेट जा रहा है, टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। ट्राइवर बॉट इक्विपमेंट्स फ्रॉम पीएस एंड सन्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, इक्विपमेंट्स क्या होती है आपको भाई, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो एसेट आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो गए, और बाय कैसे किया, क्रेडिट पर, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ये लिखेंगे हम, एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो इट इन रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 262 ड्रीम लिमिटेड। हम अपने देखेंगे ये जो फिफ्थ को, अब इसका ऊपर से लेंगे, जो हमने फर्नीचर बाय किया था क्रेडिट पर, उसमें से कुछ फॉल्टी निकला जो हमने दुकानदार को वापस कर दिया। अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, फर्नीचर गया, ऐसा डिक्रीज हो गए, और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है। देखिए, पहले हमें उसको कितने पे करने थे, 2100, अब हमने 260 का फर्नीचर वापस कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना, अब कम पैसे देना होंगे, 2100 माइनस 260, तो लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज और एसेट डिक्रीज, तो एसेट से भी माइनस करेंगे, लाइबिलिटी से भी माइनस कर देंगे। राइट, अच्छा, अकाउंट्स में हम माइनस साइन नहीं लगाते हैं, बल्कि ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रैकेट्स का मतलब माइनस। इसके बाद 25, सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट्स फॉर कैश। अब ये देखें ऊपर आए, ये 12 को हमने इक्विपमेंट बाय की थी, इसमें से हमने कुछ इक्विपमेंट्स किसी और को बेच दी। तो सपोज करें आपने 3 कंप्यूटर खरीदे थे, उसमें से एक कंप्यूटर आपने बेच, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एसेट डिक्रीज और एसेट डिक्रीज और एसेट इंक्रीज होगा। हाँ, देखिए, इक्विपमेंट हम सेल कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स गई, कंप्यूटर गया, एसेट क्या हो गए, डिक्रीज, और कैश आ रहे हैं, कैश आया तो एसेट इंक्रीज हो गया, क्योंकि इक्विपमेंट भी एसेट है, कैश भी एसेट है, इक्विपमेंट्स। नहीं, इसमें चेंज हो रहा है ना, एसेट इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट पे खरीदा ना, यहाँ पे ओवरऑल कोई चेंज नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट हमने सेल की, इक्विपमेंट गई, एसेट कम हो गए, कैश पे सेल किए, कैश आया, एसेट इंक्रीज हो गए, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितने की इक्विपमेंट गई उतना ही कैश आ गया, तो टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं आया, जीरो जीरो।
26 पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड बाय चेक। अच्छा जी, इसको हम पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं? ये हमने से फर्नीचर बाय किया था ना ड्रीम लिमिटेड से, फर्नीचर बाय किया था, अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट आएगा? लाइबिलिटी डिक्रीज और एसेट डिक्रीज होंगे ना। पेमेंट हम कर रहे हैं बाय चेक, तो वो क्या करेगा, चेक लेके बैंक जाएगा, बैंक से कैश करवाएगा, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, तो एसेट डिक्रीज हो गए और लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई। ये से पेमेंट कर रहे हैं कैसे? बाय चेक, चेक दे रहे हैं ना, लिखा हुआ है। अच्छा वो क्या करेगा, चेक लेके क्या करेगा, वो बैंक जाएगा, बैंक से कैश करवाएगा, तो बैंक बैलेंस क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस क्या है आपका, एसेट, एसेट्स कम हो गए। अच्छा पे क्यों कर रहे हैं? लाइबिलिटी थी हमारी ना, ये फर्नीचर खरीदा था, लाइबिलिटी थी हम पे, तो लाइबिलिटी अब क्या होगी, कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो क्या हुआ, एसेट भी कम हो गए, बैंक बैलेंस आपका और लाइबिलिटी भी कम हो गई, दोनों माइनस में आ गए। एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, सही। नेक्स्ट 28, टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एडिड टू कैश। अच्छा बैंक से हमने 130 निकलवाए और ऑफिस में लाके रख दिए, तो कैश आपका इंक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, कैश आपका इंक्रीज हुआ, दोनों एसेट है, तो टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो जाएगा, नो चेंज। लास्ट 30, एब्रॉन लेंट अस 4000 गिवन अस द मनी बाय चेक। अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब लेंट अस, एब्रॉन लेंट अस मतलब वो हमें उधार दे रहा है। हाँ, मतलब ये बोरो का अपोजिट होता है, बोरो मींस क्या होता है, उधार लेना, और लेंट मींस होते हैं उधार देना। एब्रॉन हमें 4000 उधार दे रहा है बाय चेक। अच्छा चेक हमें मिलेगा, चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना, तो एसेट इंक्रीज हो गए, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, हमें लोन मिल रहा है, तो चेक हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हो गए, और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, अब हमने उसको लोन वापस कर दिया। ये हो जाएगा एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। अच्छा ये तो हो गए ट्रांजेक्शन और उनके इफेक्ट्स। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका कॉलम वाइज टोटल करते हैं, अगर एसेट्स का टोटल करें, कैपिटल का टोटल करेंगे, लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं। अच्छा दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अच्छा अब ये एसेट्स आपका टोटल आ गया, कैपिटल और ये लाइबिलिटीज, अब कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड करें, एसेट इक्वल बन रहे हैं, इसको मतलब हमने इफेक्ट्स सही रिकॉर्ड कर। अच्छा उसके बाद यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो अकाउंट्स में जहाँ हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, वहाँ हम डबल लाइन से उसको क्लोज करते हैं। डबल लाइन का मतलब यहाँ आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, क्लोज हो गई। आप कॉपी कर लें, और अभी भी कोई समझ में आया तो पूछ लो। क्या है देखिए, ये आपका बिजनेस है, मैंने आपको पैसे दिए, आप पे क्या दो इफेक्ट आए, आपका एसेट इंक्रीज हुआ और बिजनेस स्टार्ट हुआ। नहीं, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, बिजनेस को छोड़े अभी,